ग्वालियर में पटवारी की भर्ती को लेकर परीक्षार्थियों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पटवारियों की परीक्षा एक वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में कुछ छात्रों का चयन भी हुआ था, परंतु आज तक सभी को निराशा मिली। IBN 24 न्यूज के लिए वेंकटेश भार्गव की रिपोर्ट। जब आपके द्वारा उस दिन विरोध प्रदर्शन किया गया और ज्ञापन दिया गया, तो आपको उसके प्रति क्या कार्रवाई दिखाई दी? सर बताए, कार्रवाई तो कुछ भी नहीं हुई। जो हम लोगों छात्रों को या कोई संता दी गई है, संतावना ये बताया गया कि इसमें कोई कार्रवाई होगी, बनस्पत इसके उन्होंने अधिकारी को ट्रांसफ़र जरूर हो गए। यहाँ से जो अपर आयुक्त थे उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया बिना किसी सूचना के, रातों रात ट्रांसफ़र हुए। अब इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि अनियमितता किस स्तर पर और कितनी है, पर हाँ इससे ये जरूर सिद्ध होता है कि अनियमितताएँ तो हैं विभाग के अंदर, जिससे छात्र असंतुष्ट हैं और हो सकता है कि प्रशासनिक अधिकारी असंतुष्ट हों। तो आपको क्या लगता है कि जो विभाग हैं उनके अंदर जो भर्ती को लेकर आपकी जो भर्तियों को लेकर रोका गया था, उस विषय में कोई गड़बड़ी है, इस कारण से न हटाया गया? संभवतः इसका भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि इन भर्तियों में अनियमितता या लापरवाही बरतने के कारण हटाया गया हो, क्योंकि रातों रात ट्रांसफर होना एक बड़ा IAS अधिकारी का बड़ा आश्चर्यजनक विषय होता है कि एक रात में आपको सूचना आती है कि आप कल इस पद पर नहीं है, तो एक बड़ी खबर है ये। वैसे जी पांडे नाम है, क्या प्रकरण रहा? दिसंबर 2017 में राजस्व विभाग के द्वारा पटवारी परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें 9,235 पदों के लिए आयोजन किया गया था, जिसकी काउंसलिंग उन्होंने अगस्त में कराई गई थी। तो उसमें करीब 7,000 पदों को भरा गया है। उसके बाद उनके द्वारा एक नियमावली निकाली गई थी, जिसमें कहा गया था कि वेटिंग में मतलब 3 काउंसलिंग की जाएगी और 18 महीने का समय दिया गया था हम लोग के लिए कि 1-2-3 इस तरीके से काउंसलिंग की जाएगी। तो पहली काउंसलिंग अगस्त में कंप्लीट होने के बाद अब 8 महीने करीब बीत चुके हैं। उसके बाद दूसरी काउंसलिंग की कोई जानकारी उनके द्वारा हमें दी नहीं गई है। तो हम आज 5-6 दिन से लगातार उनके संपर्क में थे। आज हमें ग्वालियर उपस्थित हुए राजस्व के कार्यालय में, बंदोबस्त कार्यालय में, तो उनसे आज नीरज सर से हमारी मुलाकात थी। तो नीरज सर से जब हम मिलने गए कि दूसरी काउंसलिंग की जानकारी आप दे दीजिए, तो उन्होंने हमें डिनाई कर दिया, डायरेक्ट मना कर दिया कि दूसरी काउंसलिंग नहीं होगी, और वो होती भी है तो उन विद्यार्थियों के द्वारा होगी जो 7 अगस्त को अनुपस्थित रहे हैं। जब 7 अगस्त को जो विद्यार्थी अनुपस्थित रहे हैं, तो उनको दोबारा आप लेटर भेजते हैं तो कैसे उपस्थित हो जाएंगे? अब उसके बाद 3rd काउंसलिंग भी उसी के द्वारा कह रहे हैं, और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि 18 महीने के बाद अब जो काउंसलिंग होगी तो वो जो पद बच जाएंगे वो पद कलेक्टर के अधीन भेज दिए जाएंगे, तो कलेक्टर फिर उस पर निर्णय लेगा। तो इस प्रकार से तो ये जो वेटिंग वाले विद्यार्थी है उनका जीवन तो खतरे में पड़ जाएगा, और जो 1386 विद्यार्थी भी उपस्थित हैं वो परेशान हो रहे हैं और दरबार भटक रहे हैं नौकरी के लिए। जबकि आप ये देखिए कि आधे नंबर के अंतर्गत ही सारी वेटिंग उन्होंने रोक दी है, और वेटिंग का भी तरीका समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके की वेटिंग दी गई है हम लोग के लिए। करीब 45 विद्यार्थी, मतलब एक एक विद्यार्थी को 45-45 जगह पर उन्हें वेटिंग दी गई है। तो ये हमारा आज इशू था, जिसके मामले में हम नीरज सर से मिले हुए थे कि आप दूसरी काउंसलिंग कब करेंगे और उसकी डेट कब देंगे, तो जिसमें उन्होंने मैं सीधा सीधा मना कर दिया। तो क्या प्रशासकीय नियम है, आप जरा बताएंगे? प्रशासकीय नियम के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया था कि 3 काउंसलिंग की जाएंगी। पहली काउंसलिंग में मेरिट वाले विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा, उसके बाद दूसरी काउंसलिंग की जाएगी कि जिस जो मेरिट वाले विद्यार्थी डेट समय पर उपस्थित नहीं होते हैं उसको निरस्त मान लिया जाएगा, और उसके बाद प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। अब उन्हें प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी को आवेदन देना चाहिए और एप्लीकेशन करके आप बुलाना चाहिए, लेकिन उनके द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है, ना ऐसी कोई जानकारी हम लोग को भेजी गई है। 8 मंथ से सभी लड़के परेशान हैं जो प्रतीक्षा सूची के अंतर्गत है, तो ये प्रावधान इसमें दिया गया है। तो ये इसके कंडिका के अंदर प्रमाणीकरण व्यापन की नीति के अंदर बनाया गया है कि बैटिंग वालों को बुलाया जाएगा, बैटिंग वाले को बुलाया जाएगा, लेकिन इसको नीरज सर ने सीधा मना कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि ये व्यापन की कंडिका है और ये राजस्व विभाग की कंडिका है, दोनों में दिया हुआ, दोनों में दिया गया है, और दोनों को डराया करते हुए वो कह रहे हैं कि इसमें हम उन्हीं को बुलाएंगे जो अनुपस्थित थे, बल्कि बुलाना उन्हें चाहिए जो 15% आपके वेटिंग में।